कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। बड़ी अच्छी कहानी है। देखो कहानी का शीर्षक है हार और हीरे का फर्क। फर्क का मतलब होता है अंतर, कि हार में और हीरे में क्या अंतर होता है। कहानी सुनो। ये कहानी ऐसी है, एक जोहरी की कहानी, कि जिसने एक बच्चे को तराश कर हीरा बना दिया। क्या करा एक जोहरी ने? जोहरी कौन? जो सोने चांदी के आभूषण बेचता है उसे जोहरी कहते हैं। और जोहरी ने क्या करा कि एक बच्चे को तराश कर हीरा बना दिया। तो कहानी सुनो कि नारायण के पिता, एक बच्चा था जिसका नाम था नारायण। नारायण के पिता एक नामी जोहरी थी, और ये अपना परिवार जो है वो पूरा बेचारे अच्छी तरह से संभाल रहे थे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि उनकी तबीयत खराब हुई और वो स्वर्ग सिधार गए। अब नारायण उस समय तो बहुत छोटा था, और जब वो उनके पिताजी खत्म हो गए तो परिवार पर बड़ी परेशानी आ गई। और उनके परिवार पर जब परेशानी आई तो उनको खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। बहुत परेशानी परिवार के सामने उत्पन्न हो गई, और अपने खाने पीने की चीजों के लिए भी दूसरे से मोहताज होना पड़ गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसकी जो माँ थी नारायण की, वो बोली नारायण से कि नारायण जा कि मेरे पास एक हार है और उस हार को लेकर के अपने चाचा के पास चला जाए। उसके जो चाचा थे वो भी जोहरी थे कि ये हार मैं दे रही हूँ, इसे बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो तू ले आना, हमारे घर का थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो नारायण ने कहा ठीक है। नारायण जो है वो हार लिया उसने और चला गया अपने चाचा के पास। अब उसके चाचा ने हार को अच्छी तरह से देखा, जोहरी है पराता तो है, खराब सोने का ही है या चांदी का है या पानी फिरा हुआ है, इस तरीके से उसने अपना हार को चाचा पर रखा। और उसने देख करके कहा कि बेटा अपनी माँ से कहना कि अभी बाजार में मंदी है। मंदी का मतलब है कि इसका रेट जो है अभी बाजार में कम लग रहा है, तो अभी समय नहीं आया इसे बेचने का। जब बाजार का रेट थोड़ा ज्यादा होगा उस समय में मैं इस हार को तुम लोग बेच देना। तो अभी अपनी माँ के पास इस हार को भेजा, वो रखने की, अभी मत बेचो। तो नारायण को समझ में नहीं आया कि इतने तरफ ठीक है, लेकिन उसके चाचा ने क्या करा कि हार तो वापस करा ही करा, उससे कहा कि तू थोड़े से पैसे ले जा, जिससे तुम्हें मुझे समझ गया हूँ कि परिवार की जिम्मत घर में परेशानी है, तू पैसे ले जा मेरे से और तुम्हारे घर का काम खर्चा चल जाएगा। इसके साथ साथ ही क्या होगा, कल को जो है तुझे मेरी दुकान पर काम करने के लिए आना पड़ेगा, तू कल से मेरे यहाँ काम पर लग। नारायण से ऐसा बोला। अब नारायण जो है वो बेचारा हार लेकर के चला गया, अपनी माँ को दे दिया कि चाचा ने ऐसे ऐसे बताया है इसलिए इसे रख लो, और ये पैसे भी दिए, अपनी माँ को पैसे दे दिए। और अगले दिन से नारायण कहाँ आने लगा, अपने चाचा की दुकान पर काम करने के लिए आने लगा। अब जी नारायण जाने लगा काम पे, वहां हीरो और रत्नों की जांच परख का काम सीखने लगा नारायण। दुकान पर काम करते करते अब क्या हुआ कि एक साल बीत गया, और जब साल बीत गया वो रत्नों का हीरो का क्या है, जांच पड़ताल का काम करता था, उनको जांचता था कि ये हीरे की ही है चीज या कहीं वैसी तो नहीं है, नकली तो नहीं है। तो उसे ये सब जांच के रास्ते एक साल हो गया। अब वो रत्नों का बहुत बड़ा पार्थी बन गया कि उसको दूर दूर से लोग बाग आने लगे दिखाने के लिए, क्योंकि उसका नाम हो गया कि भैया फलाना आदमी है, उसको बड़ा जानकारी है हर चीज की, इसलिए वो बहुत बड़ा पार्थी बन गया। और उससे क्या हुआ कि उसके घर के जो सारा कर्ज था वो भी दूर हो गया, और क्योंकि उसके उसको भाई काम अच्छा करता था, उसकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी। जब उसको इस तरीके से इतना काम उनका ठीक ठाक बन गया, तो एक दिन क्या हुआ कि उसके चाचा बोले कि भाई नारायण अब तू ऐसा कर कि अब बाजार में अब मंदी नहीं है, अब अच्छा चल रहा है, और जो हार तेरी माँ ने दिया था तू उस हार को ले आ, यहाँ को अब बेचने का टाइम उसका आ गया। नारायण ने कहा ठीक है, अपने चाचा से बोल दिया। अब नारायण जो है वो गया अपने घर और अपनी माँ से बोला कि माँ चाचा ऐसे कह रहे हैं कि अब हार बिक सकता है, अब उसके दाम ठीक ठाक लग जाएंगे तो वो हार दे दो। उसकी माँ ने कहा ठीक है तुम हार ले जा। तो हार उसकी माँ ने दिया। अब नारायण क्योंकि वो तो बड़ा
जांच परख की उसकी बहुत समझ हो गई थी, हर चीज का पता था। तो नारायण ने उसको सोचा कि पहले चाचा के पास ले जाने से पहले मैं भी जांच लूं इसको। तो उसने जब जांचा तो उसने देखा, अरे लोहार तो नकली है। तो लेकिन अब तक अगर नहार नकली है तो मैं इसे चाचा के पास कैसे ले जाऊं। तो उसने लोहार अपना घर में रख लिया और लौट के अपने चाचा के पास वापस आ गया। अब जब वो चाचा के पास आया उसके हालत ही, चाचा ने पूछा कि कहाँ है नारायण लोहार। तो नारायण ने बताया कि वो हार तो चाचा नकली है, ऐसा मतलब उदास मन से बताया। तो चाचा बोले कि अब तेरी समझ में आ गया कि हाँ मेरी समझ में आ गया कि वो हार नकली है, क्योंकि मैंने तुझे उस समय मैं इसलिए मना करा था उस हार को कि मुझे तो पता चल गया था जांच देने से कि हार तो ये नकली है। लेकिन अगर मैं उस समय में इस हार को नकली बता देता तो तुम्हें ऐसा लगता कि इस समय में हमारे परिवार पर संकट छाया हुआ है, इसलिए चाचा भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं कि हमारा हार असली है और उसको नकली बता रहे हैं, ठीक है उन्हें ऐसा लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद पैसे से कर दूं और तुझे ये काम भी सिखा दूंगा तो तुम्हारे परिवार की मदद हो जाएगी, और जब तू जांच पर रख लेगा तो तू इसे जांच लेगा कि हार नकली है असली। इसलिए मैंने हार न लेकर एक हीरे को तराशना बेहतर समझा, क्योंकि मैं जानता था कि तू भी एक अच्छा पार्की है, बनेगा हीरे वाला, हीरे को पार जांचने वाला। और इसलिए मुझे यही विकल्प समझ में आया कि मैं हार को न लेकर के तुझे तराशने का काम अच्छी तरह से कर सकूं। यही मेरे पास विकल्प था। और देखो आज मेरा ये जो विकल्प था उस दिन का वो कितना काम आया कि मैंने आज मेरा हीरा उस हार से कहीं ज्यादा कीमती निकला। तो कहने का मतलब है कि बुरे वक्त में जो मदद का हाथ बढ़ाए वही हमारा सच्चा हितैषी होता है।